अभी हम जेडीयू कार्यालय के पास मौजूद हैं। बता दें कि जेडीयू कार्यालय के बाहर दो बड़ा होर्डिंग्स लगाया गया है। हम अपने कैमरामैन के कहेंगे कि वो दोनों होर्डिंग्स दिखाएं जिस तरीके से लगाया गया है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और जो जेडीयू उनके सिद्धांतों पर चलती है, उन सारे तमाम जो इस तरीके से पोस्टर लगाया, पोस्टर में लिखा गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। उसके साथ ही साथ तीन नारे लगाई गई है, अमर रहे और अति पिछड़ा वर्ग को संगठित रहने, सतर्क रहने एवं दिग्भ्रमित नहीं होने के लिए कर्पूरी चर्चा होगी। यहाँ पे नीचे में दिखाई निवेदक जो है, निवेदक बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है। और इधर के हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, इस साइड की तस्वीर। यहाँ पे भी एक पोस्टर लगाया गया, दो बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया। इस होर्डिंग से जो कही जाए तो 2024 के लेकर जो अभी से ही नीतीश कुमार की पार्टी अभी से ही सजग हो गई, क्या अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार के अति पिछड़ा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, क्या उनकी वोट बैंक कहीं दिग्भ्रमित ना हो, इस तरीके का इसलिए पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा गया 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जदयू पंचायत इकाई द्वारा अनुसूचित जाति टोला में राष्ट्रीय झंडा तोलन होगा। यानी कि अब एक बड़ी पहल करने जा रही है जेडीयू, जिस तरीके से राष्ट्रीय झंडा तोलन जो है, अब एक अपने प्रकोष्ठ के तरफ से यहाँ पर झंडा तोलन करेंगे। इसके साथ ही साथ जो अपने प्रकोष्ठ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, अति पिछड़ा वर्ग के टोली में जाकर, जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति में लोग आते हैं उनके टोले में जाकर झंडा तोलन करेगा और संदेश देगी कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। इस तस्वीर को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या नीतीश कुमार अभी से ही अपनी पार्टी को लोगों को प्रशिक्षण देने में जुट गए हैं, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है जेडीयू। और जेडीयू का कहना है कि जी पोस्टर के माध्यम से कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, वो लोकसभा में जो अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है और जो कर्पूरी ठाकुर के जो वंशजों का जो वोट बैंक है, वोट बैंक कहीं बर्बाद ना हो, इस तरीके का पोस्टर लगाई गई है। अभी आने वाला समय में पता चलेगा क्या अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है और 15 तारीख से जो जेडीयू झंडा तोलन करने जा रही है, झंडा तोलन का कितना असर रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सहयोगी सचिव के साथ विवेक रंजन, पटना। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप।